नमस्ते डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट एंड डियर कलीग्स। जस्ट नाउ वी हैव टू प्रिपेयर एलिफैटिक एमीन बाय थर्ड मेथड, प्रिपरेशन ऑफ एमीन बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन। यू नो दैट व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोएल्केन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन, एंड वी हैव टू गेट प्राइमरी एमीन बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन। नाइट्रोएल्केन आपके पास है और उसका रिडक्शन करवाएंगे, तो रिडक्शन कैसे करवाएंगे? रिडक्शन करवाने के लिए डिफरेंट टाइप्स का रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है। कहने का देयर आर मेनी रिड्यूसिंग एजेंट आर बी अवेलेबल, वी कैन यूज द रिएजेंट विच विल बी सूटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग अमीन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोएल्केन। तो हमारे पास फॉर्मूला है नाइट्रोएल्केन का, देखिए ये CnH2n+1NO2, तो ये लिख सकते हैं, अदरवाइज हम ये लिखेंगे RnO2। ये नाइट्रोएल्केन हो गया और कह रहा है इसका रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का यहाँ एडिशन, समझ गए? और ये इन प्रेजेंस ऑफ, तो इन प्रेजेंस ऑफ हम रिड्यूसिंग एजेंट आपको बहुत तरह का है, लेकिन अभी पहले हम आपको दिखा रहे हैं LiLH4, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। ये हो गया टेट्राहाइड्राइड। तो और इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये रिएक्शन हो रहा है ईथर के प्रेजेंस में। तो अब आपको देखना है यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, तो रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके विषय में आप रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके होंगे और मेरे हम भी ये वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं चैनल पर, उसमें भी आप देख सकते हैं, अलग से और फिर दिया जाएगा। देखिए तो हमको इस ऑक्सीजन को रिमूव करना है और एक ऑक्सीजन के लिए चाहिए दो हाइड्रोजन, ध्यान देंगे यहाँ दो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन के लिए हमको कितना हाइड्रोजन चाहिए? चार हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर और दो हाइड्रोजन चाहिए इस नाइट्रोजन पर, यानी हम छः हाइड्रोजन ले लिए, तो ये बनाएगा RnH2 और प्लस R2H2O। बस देखिए ये जो बना है इसको पढ़ते हैं प्राइमरी अमीन। क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी अमीन। ये हो गया नाइट्रोएल्केन, ये है आपका नाइट्रोएल्केन। अल्केन एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं, मान लीजिए कि ये है CH3NO2, इसको पढ़ेंगे नाइट्रो मीथेन। यह हो गया नाइट्रो मीथेन, नाइट्रो मीथेन। इसका रिडक्शन करवाएंगे, यानी छः हाइड्रोजन हम ले लिए और ये रिड्यूसिंग एजेंट, हम रिड्यूसिंग एजेंट बदल सकते हैं, इसमें हम Fe भी ले सकते हैं, LiLH4 भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये और इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये आपको चूँकि ऑर्गेनिक रिएक्शन है ईथर में करवाया जा रहा है, ये हो जाएगा CH3NH2 और प्लस 2H2O, इसको पढ़ेंगे अमीनो मीथेन। और कॉमन नेम हो जाएगा अल्काइल मिथाइल एमीन, ये कॉमन नेम इसका मिथाइल एमीन भी बोलेंगे। इस तरह से ये प्राइमरी एमीन बन गया है नाइट्रोएमीन। नाइट्रोएल्केन से अमीनो एल्केन कैसे प्रिपेयर करेंगे ये आपने देख लिया। तो इस तरह से अगर हमको सेकेंडरी अमीन बनाना है तो हम लेंगे टू नाइट्रो, मतलब नाइट्रोजन उस कार्बन पर होना चाहिए जो कार्बन दो अलग अलग कार्बन से बॉन्डेड हो, तो हमको सेकेंडरी अमीन मिलेगा। आप देख लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर, देखिए तो अब आपको जानना है सेकेंडरी अमीन हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए हम ये ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमारे पास अल्काइल CH2, ये हो गया CH और यहाँ पर है NO2 और ये क्या कर रहा है और यहाँ पर है CH3। फिर इसको वही करेंगे, रिडक्शन करवाएंगे, सेम प्रक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ
हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट आपको LiLH4 ही कर रहे हैं, लेकिन हम Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl भी ले सकते हैं, SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl भी ले सकते हैं। ये हो गया LiAlH4। तो आपको फिर बनेगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ ऑक्सीजन को हटा देना है, दो ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और दो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया RCH2 CH और ये हो गया NH2 और फिर CH3 और 2H2O। अब देखिए, यह जो जहाँ पर NH2 ग्रुप है जिस कार्बन से, उस कार्बन से एक कार्बन इधर बॉन्डेड है, एक कार्बन इधर, इसीलिए इसको बोला गया सेकेंडरी अमीन। तो ये हो गया सेकेंडरी अमीन। इस तरह से आप इससे बहुत सारे डिजायर्ड अमीन आप बना सकते हैं। और ये वीडियो को अंत तक आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।